खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। कांग्रेसी पार्षदों और कई क्षेत्रों के बाशिंदों ने जलदाय एसई को घेरा, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। वहीं अनेक इलाकों के लोगों ने मनमार्ग कार्यालय पर किया प्रदर्शन। हमला कर लूटे बाइक और 40,000, सीकरी क्षेत्र में ग्रामीण और पुत्रवधू को किया घायल। छठे चरण से पहले प्रमुख दलों के दावों ने पकड़ा जोर, भाजपा ने 400 पार का दोहराया आंकड़ा। वहीं कांग्रेस ने कहा जनता ने एनडीए को नकारा। और हिट एंड रन के मामलों को लेकर निगरानी समिति की हुई बैठक, विधिक प्राधिकरण सचिव ने दिए जरूरी निर्देश। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर में कहीं पेयजल सप्लाई नहीं हो रही तो कहीं दूषित पानी आ रहा है। गंदे पानी की समस्या से परेशान वार्ड 9 और 5 स्थित 30 की रोड हरिजन बस्ती के लोग मंगलवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। साथ ही नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव और अन्य कांग्रेसी पार्षदों के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग को का घेराव किया। वहीं 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासी रमेश चंद ने बताया कि इस इलाके में पिछले करीब 6 माह से पानी की समस्या बनी हुई है। आसपास के ज्यादातर लोग सफाई कर्मी हैं जो सुबह अपने काम पर चले जाते हैं, ऐसे में पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। जलदाय विभाग द्वारा 4 दिनों में सिर्फ 2 टैंकरों का पानी पहुंचाया जाता है। पानी की समस्या से पानी हमारे बिल्कुल नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा पानी? पानी कम से कम 6 महीने हो गए सब। पहले आता था 8 घंटे, अभी 1 घंटे भी नहीं आ रहा, 5 मिनट भी नहीं आ रहा। कैसे काम चल रहा है? ये टैंकर पहुंचाते हैं जो दो दो ड्रम पे झगड़ा होता है रोजीना, आए दिन झगड़ा होता है सर, रोजीना झगड़ा हो रहा है। क्या सफाई कर्मी से? सफाई करके आते हैं तो नहाने के लिए घर पे पानी नहीं मिलता। सभी लोग क्या सफाई कर्मी? सब सफाई कर्मी है सारे लोग भी। कुछ तो समय दिया है, अब ये बता रहे हैं 3 दिन में हम कर देंगे, 3 दिन का समय दिया है। नहीं किया तो फिर हम चक्का जाम करेंगे, रोक देंगे जैसे व्हीकल है, गाड़ी है। उधर नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने बताया कि वार्ड 9 और 5 में कच्ची बस्ती क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, यदि थोड़ी सप्लाई होती भी है तो गंदा पानी आता है। 15 दिन पूर्व भी अधिकारियों को अवगत करवाया गया लेकिन नतीजा नहीं निकला। ये हमारे वार्ड नंबर 9 और कुछ 5 वार्ड नंबर 5 के लोग हैं जिनको गंदे पानी की समस्या थी। पूर्व 15 दिन पूर्व हम यहाँ आए थे, इन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया 15 दिन के अंदर गंदे पानी की समस्या हम को निजात करा देंगे। आज हम यहाँ आए, इनसे मिले, इन्होंने संबंधित कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने अभी तक जाकर कहीं भी मौके पर ये नहीं चेक करा कि गंदे पानी आ कहाँ से रहा है, कहाँ लीकेज है, कहाँ पे उसको चेक करना है और कहाँ उसका समाधान करना है। तो अभी हम इन्होंने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के अंदर उस कर्मचारी अगर वो ठीक कर देता है लाइन को ठीक है, अन्यथा हम इसके खिलाफ यहीं धरना देंगे और यहीं बैठेंगे और यहीं सोएंगे। जब तक उस पानी के गंदे पानी का निदान नहीं होगा हम इनके खिलाफ इस धरने से उठेंगे नहीं। 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया और 3 दिन का हमने इनको टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया। इलाके के सभी सफाई कर्मी, ये सभी सफाई कर्मचारी है जो सुबह 11 बजे तक ड्यूटी करते हैं, फिर 3 बजे फिर ड्यूटी पर जाते हैं। इनकी हालत ऐसी दयनीय है, ना तो इनके पास 4 दिन के अंदर पानी पहुँच रहा है और ना जो पानी पहुँच रहा है वो भी गंदा पानी पहुँच रहा है, वो भी 10 मिनट पहुँचता है। उसकी भी पानी सप्लाई के टाइम बढ़ाने की बात करिए, ये अपने अधिकारियों से बात करें, देखो क्या वार्ता करते हैं, उसके बाद मुझे जो जवाब देंगे उसके आगे का डिसीजन हम जनता के साथ मिलते हैं। 3 दिन बाद क्या रहेगा? 3 दिन के अंदर ये समाधान नहीं करते हैं तो हम यहाँ धरना देंगे, चाहे 24 घंटे देना पड़े चाहे 48 घंटे देना पड़े, लेकिन समाधान करके उठाएंगे। और वहीं पानी की समस्या से परेशान लोग समस्या के समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भी शहर के निकट टूलेडा ग्राम पंचायत के निवासी जिला पार्षद जगदीश जाटव के नेतृत्व में जलदाय कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया। जिला पार्षद के अनुसार भीषण गर्मी में महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, इसके अलावा पशुओं को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने आते ही क्षेत्र में टैंकर बंद कर दिए। जगदीश जाटव ने घेराव की चेतावनी भी दी। हम ग्राम पंचायत तुलड़ा से आए, हमारे ग्राम पंचायत तुलड़ा में क्या है पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो अब तो क्या है, जैसे बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने टैंकर बंद कर दिए थे, और जब कांग्रेस सरकार थी 5 साल थे तो टीकाराम जुली पूर्व मिनिस्टर साहब ने तो हर मतलब 10 टैंकर लगा रहे थे प्रतिदिन, उनसे भी काम चलता था। और अब तो क्या है पानी की बहुत ज्यादा समस्या है,
और क्या है कि बोर तो हुए पड़े हैं दो तीन, लेकिन बोर तो हुए पड़े हमारे पास तीन पीएचडी के, लेकिन वो चालू नहीं है। अब उनको क्या है कि चालू कराया जाए और ये जो लाइन है ना वो दबनी चाहिए। अब ये क्या है 1.5 किलोमीटर से लगभग महिलाएं लाती हैं, अब कोई यहाँ पे कहें लाती हैं, अभी बेचारी सुबह से शाम तक पानी भरने देते हैं, पानी भर के लाते हैं। अब ये पानी कहाँ तक भरे, ढोरन के लिए भी, बाड़ाकन के लिए भी, दिन भर ये बेचारी परेशान होती है। कहाँ पर आए हम ऐसे हिसाब से मिलने आए हैं पानी की समस्या के बारे में, इनको अवगत कराने के लिए आए, या तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो अन्यथा इसका घेराव किया जाएगा। उधर गाँव की महिलाओं ने भी समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तुलड़ा से आए हमें लोग को पानी की परेशानी है, गाय पिसाई मरती है, भैंस पिसाई मरती है, और चार चार पांच पांच दिन हो जाते हैं दूर से पानी लाते हैं, कहाँ तक पिसाए मरे, बहुत परेशान है। कितने दिनों से चल रही है? घड़ाई दिन होगा हमने तो 4-5 साल होगी परेशान होते होते। सारा हम वहाँ से आए तुलड़ा से और बहुत परेशानी है पानी की, और हम बहुत दुख पाता है, हमारा बच्चा बालक छोटा बहुत परेशान होता है। कितने दिन से चल रही है ये? चल रही 2-3 साल से, फिर अब तो बाचक ही होगा हम परेशान। पहले कहाँ से आ रहा था पानी? पहले ऐसे लावा तो मिला, कैसे जब वे बिना भरवा दे हमको, लड़ाई करता है, बकती है, म्यूनी फ्यूनी, हमको कोई ना भरवा देता पानी। और उधर अलवर शहर के वार्ड 20 की महिलाओं ने मनुमार्ग जलदाय विभाग पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। स्थानीय निवासी रेनू जांगेड़ और मनीषा कौर ने बताया कि पिछले 6 सालों से पानी का संकट कायम है, लेकिन विभागीय कर्मचारी नाकारा बने हुए हैं। उधर अधिकारियों ने एक दिन में सुधार का आश्वासन दिया है। वहीं महिलाओं का कहना है कि बुधवार तक पानी नहीं आया तो आंदोलन किया जाएगा। आज ही हम वार्ड नंबर 20 से आए हैं और हमारा जलदाय विभाग से जल के ऊपर, पानी के ऊपर ये मामला 6 साल से चल रहा है। आते आश्वासन लेके चले जाते हैं, आते आश्वासन लेके चले जाते हैं। इस डिपार्टमेंट से हमारी हालत ऐसी कर दी है जैसे हम ना घर के रहे ना घाट के, हमारे मोहल्ले को इन्होंने ऐसा सूखा कर दिया जैसे यहाँ का भी पानी था ही नहीं। और ये कमी विभाग की है, अगर हम चाहते हैं तो तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हम ये सब हिंसक काम नहीं करते। यहाँ पे आकर के हम शांतिपूर्वक इनसे बात करते हैं, ये आश्वासन देते हैं और हम चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट नाकारा नालायक हो गया क्या? पेपर अलग चल रहे हैं, कहाँ से लाए पानी? वहाँ गए, वहाँ से लाते पानी जा रहे थे कि नहीं आपको जाओ यहाँ से पानी मिलोगी, कहाँ जाके हम पानी भरेंगे? सड़क टूटी पड़ी है, आप एक बार आप सड़क लूट की नीयत से करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति और उसकी पुत्रवधू पर जानलेवा हमला कर दिया। इन्हें गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। डीग जिले के सिकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला में यह घटना सामने आई है। परिजन कमल सिंह ने बताया कि 45 वर्षीय श्रवण पर गांव के ही करीब आधा दर्जन लोगों ने फरसे से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई पुत्रवधू निर्मा पर भी हमला किया गया, साथ ही श्रवण की बाइक और करीब 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दोनों घायलों का अलवर में उपचार जारी है। मामला यह था, ये सुबह दुकान पर 6:30 बजे जा रहा था तो लोगों ने घेर के उनने संपत सिंह ने इसके रोक के नहीं और इसके सर में फरसा दिया है। फरसा देने के बाद में इसमें से जो लूट फाट थी, थैला था, जो इसके कागज थे, मोटरसाइकिल थी, वो सारे लोग छिना लिए। फिर इसको मारा, फिर गाँव कुछ लोग आए जो उन्होंने बचाया इसको, फिर ये आ गए, फिर वो इसका थैला वगैरह मोटरसाइकिल लेके चले गए, बाइक भी ले गए। हाँ, बाइक भी लेके चले गए। नकदी करीब ये बता रहा था मेरे को 40 और 45 के बीच में थे। ये शाम को दुकानदारी किराना की दुकान करता है सीकरी में, जब सुबह मॉर्निंग में जा रहा था दुकान पर जा रहा था तो उसके घर के आके रोक के नहीं जब फरसा दिया इसके, तो उसके बाद में से ये पता नहीं है थैला कौन ले गया। आरोपी का घर जो आरोपी है उसने अपने घर के आके और वो थैला लेके नहीं और मोटरसाइकिल लेके नहीं, वो संपत है और हाकम है और भीम सिंह जी हैं, हरेंद्र है, 5-6 लोग हैं, वो किस जाति के? वो ठाकुर जाति से आते हैं, राजपूत समाज। पहले भी कभी इस तरह नहीं, ऐसा कोई समाज से पहले कोई वही नहीं था। अगर ऐसा कोई झगड़ा होता पहले तो हमको पता होता कि भाई क्यों हम इसे जाने देते हैं। अकेले आम झगड़ा, आम रास्ता है, आम रास्ते में कौन रोक सकता है? कहीं नहीं ले गए, अस्पताल ले गए थे सीकरी, सीकरी वालों ने रेफर कर दिया सीकरी अलवर के लिए। क्या स्थिति है? अब स्थिति डाउन है, इसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। हाँ सर में चोट है बता रहा डॉक्टर, करीब 12 mm की चोट है इसके पास। अभी लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत धारकाबास गांव में कुछ शराबियों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को जिला अस्पताल में लाया गया है। पीड़ित के परिजन ओमवीर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि हमलावरों से उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है,
परिजनों का कहना है कि शराब के नशे में धुत हमलावरों ने पहले एक बच्चे पर हमला किया, जब बुजुर्ग बच्चे को बचाने के लिए सामने आया तो उन पर भी हमला कर दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इनका नाम हरी सिंह है, ये गांव धारा का वास, तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये हमारे कांटे पर बैठे हुए थे और परिवार के 2-3 सदस्य और थे। कोई फोन पर बातें हो रही थी उससे थोड़ी देर पहले, 5-7 मिनट पहले, तो उधर से दूसरी तरफ से गाड़ी में करीब 10 या 12 के समथिंग लोग भर करके आए और ये कुर्सी पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली, लाठियों से वो लैस थे, सरिया था लोहे का दो के पास में, तो और एक लगभग 12-13 वर्ष का बच्चा था, तो उस पर उन्होंने आते ही प्रहार किया। तो बच्चा को बचाने के लिए बच्चा इन्होंने अपने नीचे ले लिया, तब इन पर अनाधुंध प्रहार किए, सिर फट गया और दोनों हाथ अभी काम नहीं कर रहे चोटों की वजह से। नहीं, कोई रंजिश नहीं, बिल्कुल नजदीकी मैटर था, हमेशा एक साथ बैठा करते थे। उनके हाथ में जो भी आ रहा था नजदीक, जैसे गाड़ी से उतरे तो रोड के जस्ट पास में बच्चा था, ये थोड़े उनसे करीब 5-7 फीट दूर थे, तो जो भी सामने दिखा आते ही उन्होंने प्रहार चालू कर दिया। कोई पुराना मामला नहीं, शराब पिए हुए थे वो लोग। तिरंडिया गांव का सरपंच था पुष्पेंद्र नाम का, नंदराम, पिंटू, रविंदर और पुष्पेंद्र, और उसके साथ 8-10 आदमी और थे जिनको पहचान नहीं सके, दे करके तुरंत भाग गए थे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 58 सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। इसमें दिल्ली और हरियाणा की सीटों के अलावा कुल 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अनेक सीटें शामिल हैं। उधर पांचवा चरण पूरा होने के बाद से प्रमुख दलों के दावे जारी हैं। छठा चरण पास आने के साथ ही यह दावे और तेज हो रहे हैं। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। चौधरी के अनुसार 10 साल में मोदी सरकार ने देश का ऐतिहासिक विकास किया है। अब तक का जो रुझान है और जनता का जो जनादेश है उसको देखते हुए हमारी पार्टी आश्वस्त है पूरी तरह से सरकार में आने के लिए। जनता का जो रुझान है उसको देखते हुए फिर एक बार मोदी सरकार बनना तय है और जो हमारी पार्टी ने लक्ष्य तय कर रखा है 400 पार का, उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। सबका साथ सबका विकास की परिपाटी को लेकर हम चले हैं और जितना मोदी जी के कार्यकाल में विकास के कार्य हुए हैं और भारत का नाम विश्व पटल पर छाया है, उसको देखते हुए आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में मोदी जी ने अपने विवेक से जो कार्य किया है उसको जनता ने उनको फिर एक बार मोदी सरकार के रूप में फलीभूत किया है। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार पांचवें चरण के बाद स्पष्ट हो गया है कि जनता ने एनडीए को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जुमलेबाजी और अहंकार की सरकार है, अपने मित्र और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के अलावा इसने अन्य सभी वर्गों का शोषण किया है। सैनी के अनुसार अब इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। नैब लेके आएंगे और राजस्थान का इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने में बड़ा योगदान होगा। सर, लास्ट सवाल है कि एनडीए गठबंधन जो है उसको जनता ने ऐसा आपके अनुसार नकार दिया है, तो 5 बड़े क्या कारण मानते हैं कि जो सत्ता से बाहर भाजपा? पहला तो एक झूठ का जुमला, नेतृत्व ऐसी व्यक्ति ऐसी पार्टी के पास जो केवल सत्ता चाहती है, भाई भतीजावाद को नाम लेकर धर्म और जाति के आधार पर चुनाव का लाभ लेना चाहती है, बड़े घरानों को लाभ दिया, किसान के बारे में सोचा नहीं। बताऊं तो क्या, बताता रहूंगा तो सारी रात गुजर जाएगी। जहां से पकड़ोगे कोई से भी 5 चीज पकड़ लो, अच्छाई तो एक भी नहीं है, ये तो पूरा गंध का पोटली है, ये तो अविश्वास की पोटली है, वो खुल गई है और अब खुल गई है तो लोगों को सच्चाई का पता लग गया। अब शासन आएगा ईमानदारी का, नीति का, नियत का, ग
गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, किसान का, मध्यम व्यापारी का जो ध्यान रखता है, उस सत्ता का शासन आने वाला है। धर्म और जाति के आधार पर बंटने का समय चले गया। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए वाले झोली बिस्तर लेकर वापस वहीं जाए। मैं समझता हूं कि चर्चा का विषय नहीं है, अब परिणाम 4 तारीख को आएगा, खुशहाली की लहर होगी, गरीब का, शोषित का, किसान का बेटा सत्ता पे होगा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पांचवें चरण के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनना स्पष्ट हो गया है, जबकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को 180 से 190 सीट ही मिल पाएंगी। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम वर्ग भाजपा के खिलाफ हैं। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट लेकर के हिंदुस्तान में आ रहा है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मतलब अंदर इतना अंतर्द्वंद है कि अब योगी जी भी नहीं चाहते, वसुंधरा जी भी नहीं चाहती, रमन सिंह जी भी नहीं चाहते, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बने। क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार मोदी को हटना चाहिए, देश की जनता भी ये चाहते हैं एक बार मोदी जी को हटना चाहिए। और एक आवाम की आवाज़ है, नक आवाज़ खलक नकारे खुदा होती है, खलक की आवाज़ बन चुकी है। अब निश्चित रूप से छठे चरण में और सातवें चरण में कांग्रेस की रेटी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी उसका नेतृत्व करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय। जनता ऊब चुकी है 10 साल के इनके कुशासन से, जनता इतना फर्क पड़ रहा है तो दूसरे चरण के बाद और इनका ज्यादा ग्राफ गिरा है। सही तानाशाही तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात कहिए, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, रावण कौरव और कंसों का यह अहंकार नहीं चला, नरेंद्र मोदी जी क्या अहंकार चलेगा। जनता है भैया, पब्लिक है, सब जानती है, निपटा देगी। अभी देख गौरतलब है कि 4 जून को अलवर सहित सभी सीटों के परिणाम आने हैं। इससे पूर्व दावों में कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा, हर चरण के बाद ये दावे और तेज हो जाते हैं। और वही राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र में सभाएं की। उन्होंने यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में जनसंपर्क किया। जूली ने डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र और बंटाला के शाहपुर जाजन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही कहा कि अब तक 5 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन का जलवा बरकरार है। पुलवामा हत्याकांड हो, चाहे किसान आंदोलन हो, किसानों पर गोलियां चलाई गई हो, चाहे किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून इन लोगों ने बनाए, आज देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, जो लोग वादे करते थे कि मैं 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख खाते में डलवाऊंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करूंगा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, जो लोग कहते थे कि मैं डॉलर रुपए को बराबर करूंगा और हर गरीब को पक्की छत दूंगा, आज वो 10 साल में कहीं नजर नहीं आए। सबकी बार राजस्थान में चुनाव करवा के कांग्रेस को भारी बढ़त दिलवाई। पहले 25-0 से वहां कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। रंधावा साहब की मेहनत, इनका काम आज मुंह से बोल रहा है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक आपको ऐसा कैंडिडेट मिला है, साहब ने पहली बार राजस्थान का अगर विपक्ष का नेता किसी ने बनाने का काम किया तो रंधावा साहब ने किया। मैं इसको धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिट एंड रन के मामलों पर गठित निगरानी समिति की बैठक की गई। इसका आयोजन मंगलवार को प्राधिकरण सचिव भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह, एडीएम सिटी बीना महावर और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक अजय कुमार यादव उपस्थित रहे। वहीं कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। इस दौरान बताया गया कि हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख या अधिक मुआवजे एवं गंभीर चोट पर 50,000 रुपए मुआवजे का प्रावधान है। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि कई बार दुर्घटना में शामिल वाहन की जानकारी के अभाव में पुलिस आवश्यक कार्रवाई नहीं कर पाती है, ऐसे में पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल पाता है। बैठक में कई अन्य निर्देश भी दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगलवार को अलवर के मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और विधायक जुबेर खान सहित अन्य कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश भर में कंप्यूटर क्रांति लाए थे। राजीव तेरा नाम रहेगा।
भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, संचार क्रांति के जनक, पंचायतों को अपना अधिकार दिलाने वाले सम्माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम समस्त कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से सम्माननीय राजीव जी को हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो रहे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। राजीव जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाए, जो आज इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इससे मोदी जी दो बार प्रधानमंत्री बने, ये राजीव गांधी जी की देन है। जब बीजेपी वाले कहते थे कि ये कंप्यूटर ला रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आज उस कंप्यूटर का ही ये कमाल है कि भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। संचार क्रांति के साथ साथ गांव गरीब की सुनकर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दिलाने वाले राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी कहते थे कि जब तक पंचायतों में पैसा सीधा पंचायतों में ट्रांसफर नहीं होगा, बीच की एजेंसियां नहीं हटेगी, तब तक विकास पूरा नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी जी ने सीधा विकास का पैसा पंचायतों में जो ट्रांसफर कराने का काम शुरू किया वो सम्मान्य राजीव गांधी जी ने किया। वही कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ विधायक जुबेर खान की जवान फिसल गई, ऐसे में उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी का नाम ले लिया। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और हर साल की भांति अलवर जिला कांग्रेस कमेटी राजीव जी की मूर्ति पे आती है, माल्यार्पण करती है, श्रद्धांजलि देती है, शोक सभा करती है। आज उसी उपलक्ष में यहाँ आए हैं। और आज हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, जो कंप्यूटराइजेशन आया है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है, जो दल बदल विरोध में कानून आए, बहुत से ऐसे कानून थे कि देश को नई दिशा राहुल गांधी जी ने 21वीं सदी की दी। तो आज के दिन उनके श्रद्धांजलि देते हैं हम सभी कांग्रेस के जन और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के प्रयास करते हैं कि देश अखंड रहे, मजबूत रहे और दुनिया में सर्वोपरि भारत देश बने, यही हमारा सबका लक्ष्य है, यही आदरणीय राजीव जी का लक्ष्य था। उधर इस कार्यक्रम में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित मानसरोवर कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बना लिया। मकान मालिक हरिकिशन बैरवा ने बताया कि वे 17 मई को शादी में गए थे, 20 मई को दोपहर में वापस लौटने पर ताला टूटा हुआ मिला। चोर कई जेवर और करीब 38,000 रुपए की नकदी ले गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाशी में जुटी है। हम 17 तारीख को शादी में गए थे, 20 को आए थे, 17 तक कुछ भी नहीं हुआ, जब 20 कम 2:30 बजे करीब आए थे, जब हम गेट खोले थे ताला टूटा मिला, पूरा सामान बिखरा हुआ मिला और इसमें मिसेज के एक तो कानों के ये और दो जोड़ी पाजेब, ये सोने के थी, पाजेब चांदी की थी और मेरी सोने के अंगूठे थी और 38,000 करीबन 800 के करीब रुपये थे। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 12वीं साइंस के विद्यार्थियों ने इस बार जिले का नाम रोशन किया है। करियर मेकर इंस्टीट्यूट की ओर से मंगलवार को अलवर में विजय जुलूस निकाला गया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रवीश गोयल ने बताया कि 25 साल बाद करियर मेकर के छात्र छात्राओं ने पूरे जिले में परचम लहराया है। वहीं बच्चों को मोटिवेशन के लिए अलग से कक्षाएं लगाने सहित नवाचार के माध्यम से उन्हें प्रगति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे करियर मेकर का कल 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम आया है। पूरे अलवर जिले में हमारे संस्थान का बहुत बेहतरीन परिणाम रहा है। हमारे 20 बच्चे 90% से ऊपर अंक प्राप्त करे हैं। हमारी हाईएस्ट निकुल शर्मा की 96.2% गई है और हमारे 85 से 90 पे भी 20 बच्चे रहे हैं। 80 से 85 पे भी हमारे 23 बच्चे रहे हैं। 80% से ऊपर हमारे 63 बच्चों ने स्थान हासिल करा है और यह सब कैरियर मेकर के माहौल और उनके विषय अध्यापकों की विशेष मेहनत की वजह से हो पाया है। आज हमारा विजय उत्सव विजय रैली है और यह एक मार्गदर्शन करती है आने वाले बच्चों को। 26 वर्षों के इतिहास में पहली बार कैरियर मेकर का इतना उत्कृष्ट परिणाम रहा है। मैं उन सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मोटिवेशन के लिए किस तरह कार्य मोटिवेशन एक हमारे जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको पता लगना चाहिए कि इन बच्चों ने किस प्रकार से मेहनत करी, इनके अध्यापकों ने किस तरह से मार्गदर्शन दिखाया। ये जब परिणाम आते हैं तो उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। बच्चों को बहुत अलग तरीके से टीचर्स द्वारा डिसिप्लिन में रखा जाता है, टीचर्स द्वारा रेगुलर वर्क दिया जाता है, ठीक है, उस कार्य को कराना, उस कार्य को करना एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बहुत बड़ी एक कार्य है। ये धीरे धीरे निरंतर किया गया कार्य एक अच्छे परिणाम में बदलता है। तो जब तक एक सीनियर से जूनियर नहीं सीखेगा तब तक हमारा देश और समाज का विकास नहीं होगा।
इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। वहीं ये विजय जुलूस शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र से मालवीय नगर तक निकाला गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में जूनियर छात्रों ने डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए सीनियर छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया। और वहीं आदित्य करियर इंस्टीट्यूट ने राजस्थान बोर्ड परिणामों में साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स में उत्कृष्ट रिजल्ट दिया है। वहीं विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय संस्था, गुरुजनों और माता पिता को दिया है। उधर एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर और साफा पहनाकर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बताया कि साइंस में उमेश कुमार और प्रीतम शर्मा ने 95%, आर्ट्स में मंथन कालरा ने 93.40% अंक हासिल किए। साथ ही कई अन्य बच्चों ने बढ़िया अंक पाए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंसिल लिख रहा है। आप भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का आरएएस में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एडीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने 14 वर्षीय बालक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। बच्चे के पड़ोसी मौसम खान ने बताया कि वे भिवाड़ी के पास मटीला में रहते हैं। जब बालक आकाश सामान लेने गया था तो रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टपुकड़ा सीएससी से इस बालक को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। मैं भिवाड़ी का रहने वाला हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बगल में रहते हैं और ये बिहार से रहने वाले हैं। लड़के का नाम आकाश है और रोड क्रॉस करते समय कल कोई गाड़ी वाला था, पता नहीं बाइक वाला था, वो टक्कर मार के चला गया। ये भिवाड़ी मटेला की बात है, एचआर स्टील कंपनी के सामने वहाँ पर। हाँ, नहीं हम वो वाहन का पता नहीं कर पाए, हम अपने बच्चे को लेकर तुरंत भागे। लड़के का नाम आकाश है, 14 साल। हम टपुकड़ा सीएससी लेकर गए, उन्होंने यहाँ के लिए रेफर कर दिया तो हम एम्बुलेंस करके तुरंत यहाँ ले गए। अलवर के सर्किट हाउस क्षेत्र से एक युवक का ई रिक्शा चोरी हो गया। पीड़ित सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह दाऊदपुर फाटक एरोड्रम रोड का निवासी है। सुखविंदर भवानी तोप क्षेत्र में काम से आया था और ई रिक्शा सर्किट हाउस के पास खड़ा कर दिया था। दोपहर में वापसी पर ई रिक्शा नदारद मिला। सीसीटीवी कैमरे में पता लगा कि दो लोग ताला तोड़कर ई रिक्शा चोरी कर ले गए। इसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। तो 9 बजे के करीब मैंने रिक्शा खड़ा करके अपना काम करने लग गए, ठीक है। फिर हमने लंच किया, लंच के बाद देखा पापा ने, मैंने और भाई मेरे साथ ही है ना कि रिक्शा वहाँ पर नहीं। फिर हमने इधर उधर काफी तलाश किया, हमें रिक्शा नहीं मिला। फिर मैंने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा, यहाँ खराब लिया थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने। तो ये रिक्शा में चाबी लगी हुई थी क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा, वो चाबी हमारे पास है। तोड़ के कहाँ से लेके सर्किट हाउस के पास? सर्किट हाउस के पास। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं सर। पापा तो चले गए थे देखने के लिए अंदर, तो उनकी किसी सिफारिश से उन्होंने दिखाया था। पापा ये बता रहे थे कि वहाँ पर दो बंदे थे, मतलब एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने नहीं पहना। अच्छा, मुझे तो बताया नहीं इन्होंने सीसीटीवी कैमरा, तो मैं रिकॉर्डिंग कर लिया। कितने बजे घटना आज की? आज की नहीं सर, कल की। कल की कितने बजे की है सर? 2 बजे के करीब के आसपास। अलवर में श्री राजर्षि अभय समाज स्थित भर्तृधाम मंदिर का 26वां स्थापना दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हो गए। रामचरितमानस पाठ के समापन के बाद हवन एवं महाआरती की गई, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम संयोजक मंदिर प्रभारी अनिल शर्मा रहे। उधर सोमवार शाम को अभय समाज में दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि इन कलाकारों ने अपना पूरा जीवन अभय समाज के प्रति समर्पित कर दिया था। एटीएल परिवार की ओर से बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। यह मुहिम कई वर्षों से लगातार जारी है। ऐसे में इस क्षेत्र के वन्य जीवों को तेज गर्मी में उनके आसपास ही पानी मिल पा रहा है। समाज सेवी चेतराम के अनुसार इस सराहनीय मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। आपके माध्यम से जंगली जानवर उनको भटकना ना पड़े, जंगल में पानी मिले उनको, ताकि शहर में ना घुसे जानवर। आप भी काफ़ी सालों से? कब? मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ इनसे और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये मुहिम चला रखी है। बहुत बढ़िया मुहिम है, हर आदमी इसमें जुड़े और सहयोग करे जानवरों का, पानी का। सबसे मेरी यही निवेदन है। अखिल भारतीय हिंद स्वीपर सेवक संघ कार्यकारिणी का अलवर में गठन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूषण गोयर ने बताया कि इस संगठन में देश भर के प्रतिनिधि शामिल हैं। साथ ही अलवर में भी वाल्मीकि समाज के हित के लिए कार्यकारिणी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज आर्थिक रूप से कमजोर है और संगठन उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा।
अखिल भारतीय हिंद सिपर सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सभी राज्यों के प्रदेशों के गठन किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भारत भूषण गोयल अपन से आम बाल्मिक ये सफाई कर्मचारियों की अपील को देखते हुए या आर्थिक कंडीशन विकास की ओर देखते हुए एक गठन तैयार किया गया है जो कि 1940 का स्थापित है। इसका ब्रिजेश खिलोसिया अपने इंदौर मध्य प्रदेश से स्थापित इसका चमनदास जी बाल्मीकि स्वयं अजमेर तो इन्होंने वहाँ चला रखा था जो इन दिनों में मेरे पास आने पर आपको राष्ट्रीय घोषित किया गया है सर्वसम्मति से। इसलिए कार्यकारिणी तैयार करके आम सफाई कर्मचारियों की विकास की आर्थिक मुद्दा इस तरह के प्रशासन की ओर को अवगत कराने के लिए ये संगठन तैयार किया। क्या प्राथमिकता रहेगी आप? इसमें प्राथमिकता ये है कि सेवा करने का मौका है। मैं वैसे लाख लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त था, इन्होंने मुझे बहुत बार इस तरह कंधे पर दिया है तो मेरी भावना थी मैंने कहा ये सेवा यही करें समाज के लिए। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 110 पौवे देशी शराब जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार कालीमोरी फाटक और जनता कॉलोनी के बीच दो अलग अलग जगह कार्रवाई की गई। पकड़े गए शातिरों में दोहली रामगढ़ निवासी धर्मपाल और जनता कॉलोनी निवासी जसवंत सिंह शामिल हैं। कल एक मरीजन को श्री मुकेश जी साई एएसआई साहब अराल हुआ थाने वाले दौरान एक शख्स को नर्सरी मुंगस्ता के नर्सरी है जो मुंगस्ता के सामने वहाँ से एक शख्स को शराब अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था जिससे करीब 52 पौवे शराब को पकड़े थे और जो जी ने उसका नाम है धर्मपाल पुत्र किशोरी निवासी दोहली का दोहली रामगढ़ थाने का रहने वाला। अलवर की कृषि उपज मंडी में सरसों के भाव 400 से 700 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं। अब सरसों 5200 से लेकर 5700 प्रति क्विंटल बिक रही है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि विदेशी तेलों के मूल्य में वृद्धि के कारण सरसों के तेल की मांग बढ़ी है, इसी वजह सरसों के दाम भी बढ़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बढ़िया किस्म की स्थानीय सरसों की रोजाना 4000 बोरियां अलवर मंडी में आ रही हैं। इन दिनों में सरसों के बाजार 5700-5800 रुपए 42 लैब के आधार पर एक क्विंटल का बाजार है। किसानों ने बाजार को ध्यान में रखते हुए अपनी सरसों का घरों में भी स्टोक किया क्योंकि 4800 से लेके 5200 रुपए तक के जब भाव थे तब किसान को उसका पैसा नहीं मिल रहा था। अब सरकार की खरीद भी लगभग इसी भाव पर चल रही है और बाजार का भाव भी लगभग इसी पर। अब धीरे धीरे मंडी में किसानों की थोड़ी थोड़ी सरसों आना चालू हो गई। मांग और आपूर्ति का खेल है। पाम ऑयल जो है सरसों के भाव हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि लोग शुद्धता की ओर जाएंगे और सरसों का तेल खाएंगे और सरसों का जब तेल खाएंगे स्वस्थ रहेंगे और किसान को भी उसका एक अच्छा रेट मिलेगा तो अपने खाने वाले लोग अपने लोगों को फायदा देंगे तो देश में समृद्धि आएगी ऐसी आशा। सर अभी कितनी आवक है करीबन आइडिया से? मंडी में लगभग 4000 कट्टों की आवक रही। अभी इसी स्थिति पर चलने की उम्मीद है क्योंकि अब आवश्यकता बंद वाला व्यक्ति है उसने अपनी सरसों बेच ली। अब बाजार को ध्यान में रखते हुए 5700-5800-6000 तक चले जाते थे एक अच्छा भाव माना जाता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाजार में सरसों आती रहेगी। सर क्वालिटी के मामले में कैसी है? अलवर की क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है, तेल बहुत होता है, हमारे यहाँ की सरसों में चमक बहुत होती है, हमारे यहाँ पे पंजीयन बड़ा अच्छा होता है, FFCA बड़ी अच्छी होती है और दूसरे राज्यों में यहाँ की बड़ी डिमांड रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन बुधवार को अलवर में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इससे पूर्व मंगलवार को जयपुर प्रवास पर उन्होंने आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने यहां राजभोग झांकी के दर्शन भी किए। वहीं जसोदा बेन अलवर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भूरा सिद्ध मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके बाद वे धौलागढ़ माता मंदिर में पूजा के लिए रवाना होंगी। इसके बाद वे अपना घर शालीमार स्थित नानक राठौर के निवास पर विश्राम के बाद शाम को कटीघाटी क्षेत्र में बिलखा रिजॉर्ट में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगी। जसोदाबेन वहां से ऊंझा गुजरात के लिए रवाना होंगी। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। ASI कन्हैयालाल ने बताया कि इसे लेकर बोधन कॉलोनी के किशन खत्री ने मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि उसने त्रिपोलिया मंदिर के पास आइसक्रीम की ठेली लगा रखी थी, इसी दौरान दो शातिर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 80 क्वार्टर निवासी आरोपी धनराज को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मोबाइल भी बरामद किया गया है। परिवादी किशन खत्री सन ऑफ मेहरचंद निवासी बोधन कॉलोनी अरावली गया कुल की बेचने का व्यवसाय करता है। उन्होंने ठेली त्रिपोलिया मंदिर के पास लगा रखी।
वहां पर एक बाइक पर दो लड़के आए जो झपट्टा मारकर इनके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गए। एक का नाम धनराज पुत्र भोरेलाल वाल्मीकि 24 साल निवासी 80 क्वार्टर थाना कोतवाल, दूसरा माइनर, दोनों को दस्तयाब किया जा चुका है, मोबाइल बरामद। अलवर शहर के नेहरू पार्क में मंगलवार को योग दिवस मनाया गया। इसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कार्यक्रमों का दौर 21 मई से 21 जून तक चलेगा। सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक रोजाना 1 घंटे नेहरू पार्क में योग करवाया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि जीवन में कई कारण तनाव, थकान और चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, ऐसे में स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योग रामबाण दवा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा है सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एडीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला आबकारी अधिकारी और राजगढ़ पुलिस ने करीब 66 पेटियों में देशी शराब के 3,134 पौवे जब्त किए हैं। राजगढ़ स्टेशन के पास दो मकानों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 सिंघा के दो सींग भी वन विभाग की टीम ने जब्त किए हैं। अवैध देशी शराब करीब 1,57,000 रुपए कीमत की बताई जा रही है। मौके पर डीएसपी मनीषा मीना, थानाधिकारी रामजीलाल मीना, आबकारी निरोधक दल से जुड़े दिगंबर सिंह डागुर, आबकारी निरीक्षक नीरज शर्मा, प्रहराधिकारी ब्रजमोहन, संतोष गुर्जर और सतीश गुर्जर मौजूद रहे। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उधर स्टेशन के समीप जिस मकान पर छापा पड़ा वह पूर्व प्रधान रघुवर दयाल मीना का है। यहां से पकड़ा गया राजू मीना उसका पुत्र है। प्रहराधिकारी ब्रजमोहन ने बताया कि यहां वन्यजीव सांबर के दो सींग मिलने पर वन विभाग को सूचना दी गई थी। उधर सदर नाके के वनपाल जगदीश प्रसाद मीना के अनुसार सींगों को बरामद कर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय लाया गया है। साथ ही कार्रवाई जारी है। आबकारी थाना राजगढ़ सीओ राजगढ़ राजस्थान पुलिस, आबकारी थाना लक्ष्मणगढ़, आबकारी थाना अलवर पूर्व, अलवर पश्चिम व आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक अलवर के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान अभियुक्त 22 राज उर्फ राजू पुत्र श्री रघुवर दयाल जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी स्टेशन रोड प्रधान कॉलोनी राजगढ़ के कब्जे शुदा मकान से कुल 3134 पौवे 66 पेटियों में रखे 3134 पौवे देसी शराब बरामद की गई। भाड़ा गलत मकान, एक मकान जिसमें ये रह रहा है, एक में बड़ा है उसमें मकान घंटे का था चौकी ये करीब करीब 2.5-3 घंटे। इसके अलावा और भी कोई चीज मिली और कोई चीज साहब हमारी कार्रवाई लायक नहीं है। बाकी जो पुलिस की कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। किस किस को गिरफ्तार किया सर? गिरफ्तार इश्यू किया सर 22 राज और राजू पुत्र श्री रघुवर दयाल। नकली है या असली इसका कुछ? अब ये तो सैंपल में पता लगेगा सर। हमें सूचना मिली कि सांबर के दो सींग हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तथा दोनों सींगों को बरामद करके क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय पहुंचाए। आगे की कार्रवाई जारी। कौन सी जगह से? ये प्रधान कॉलोनी मालाखेड़ा में लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ चौक पर रोडवेज एवं नगर पालिका कार्यालय की ओर से कोई भी बुकिंग और स्टैंड निर्धारित नहीं है। इसके कारण यात्रियों को तेज गर्मी में सड़क के दोनों ओर खड़े रहकर बस का इंतजार करना पड़ता है। यहां मौजूद जगदीश प्रसाद, गोपाल शर्मा, सतीश चौधरी, मोहित चौहान और बलबीर जाट आदि ने इस पर रोष जताया। साथ ही बताया कि मालाखेड़ा कस्बे में बनाई गई रोडवेज बुकिंग करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी है। वहीं कस्बे के अंदर से रोडवेज बस नहीं आने के कारण यात्रियों को बाईपास पहुंचना पड़ता है। इसके अलावा अलवर से पृथ्वीपुरा, बालेटा और भंडोडी रूट पर बसें अब बंद होने से यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए टीन शेड तक लगाना जरूरी नहीं समझा गया है। संबंधित विभाग और क्षेत्रीय विधायक इस ओर उदासीन है एवं रोजाना सैकड़ों यात्री परेशानी उठाते हैं। वहीं से स्थान पर ठेलियों का जमावड़ा भी दुर्घटना का सबब बन रहा है। अलवर करौली मेगा हाईवे से लक्ष्मणगढ़ सहित
अन्य जगह पर जयपुर, सिकंदरा, महुआ, मंडावर, दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को मालाखेड़ा स्टैंड पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है। मालाखेड़ा कहने को तो नगर पालिका बन गई है, लेकिन मौके पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा छाया पानी की नहीं है। इसको लेकर आसमान से बरसती आग और नीचे से तपती हुई धरती पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज विभाग और प्रशासन विभाग की ओर से भी उदासीनता बरती जा रही है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उदय सिंह, टेल न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कला वर्ग में बेटियों ने बाजी मारी। वहीं भुर्जा स्थित शहीद श्री राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कई बच्चों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इनमें मौसम कसाना ने 93.80, पूनम सपेरा ने 88.20, सपीना ने 87.40 और मोनू कुमार जांगिर ने 86.20% अंक पाए हैं। इस स्कूल में 34 बच्चे हैं और रिजल्ट 100% रहा है। सरकारी स्कूल के इन बच्चों ने ट्यूशन करने के बजाय घर पर ही पढ़ाई की। इन बच्चों में शामिल मोनू तो सुबह अखबार भी बांटता है और उसके बाद पढ़ाई करता है। वहीं मौसम कसाना खेतीबाड़ी में सहयोग करवाती है। इस मौके पर महेंद्र कुमार ने बताया कि पढ़ने की लगन हो तो सरकारी स्कूलों में भी बच्चे उच्च अंक हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की पूजा की, साथ ही हितेश रावत ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरी आर्ट सब्जेक्ट में 81.20% हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक तो सुना है आपकी, मतलब परसों शादी है और घर वाले आपकी शादी कर रहे हैं, और आगे पढ़ने का क्या वो रहेगा? आगे पढ़ूंगी। मतलब आप शादी के बाद ही पढ़ोगे या फिर? पढ़ूंगी मैं शादी के बाद। आपकी मतलब शादी जल्दी हो रही है, इसके बारे में क्या है? शादी तो खैर जल्दी हो रही थी, लेकिन आगे पढ़ने का, आगे पढ़ने की इच्छा है। आगे पढ़ूंगी। मौसम कैसा है? मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा में पढ़ती हूँ। कक्षा 12 में मेरे 93.80% मार्क्स आए। घर पर पढ़ाई की थी। आगे क्या सोचा आपने? आगे मैं UPSC करना चाहती हूँ। मेरा नाम मोनू कुमार जांगिड़ है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। मेरी परसेंटेज 86.20 बनी है। मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा में आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ता हूँ, और मैं मेरी आगे की मनोकामना है कि मैं टीचर बनूँ, और मैं BSTC का फॉर्म मैंने भर चुका भर दिया है और मैं BSTC की तैयारी करूँगा। मैंने सुना है कि आप सुबह की टाइम अखबार बांटते हो। हाँ, मैं सुबह अखबार बांटता हूँ। इसके बाद आपको मतलब पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाला आपने? मैंने मेरी घर सेल्फ स्टडी करी है और मैं सुबह अखबार बांटता हूँ। मेरी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद चलाता हूँ। मेरा पिताजी हैं श्री भरतलाल जांगिड़, वो मतलब मजदूरी करते हैं। हमारी संस्था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा ब्लॉक मालाखेड़ा अलवर से, हमारे यहाँ परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का 100% रहा है, जिसमें से कक्षा 12वीं की छात्रा मौसम कसाना 93.8% लेकर विद्यालय में श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय परिवार, संस्था प्रधान, गुरुजन साहिबान सभी के लिए मैं विद्यालय का शारीरिक शिक्षक रघुवीर सिंह नागर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारी संस्था के अंदर बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियों का परीक्षा परिणाम बेटों से बेहतरीन रहा है। रामगढ़ कस्बे के कई वार्डों में काफी समय से नलों से सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ ठंडी मंदिर के पास वाले मोहल्ले में करीब 2 महीने से बूंद भर भी पानी नहीं आया। यहाँ मौजूद एक बुजुर्ग महिला का कहना था कि वृद्धावस्था पेंशन घर खर्च में काम आती है, ऐसे में वे खुद व्यकर टैंकर नहीं डलवा सकते। उधर रामगढ़ के उच्च अधिकारी किसी मीटिंग में गए थे और इसीलिए महिलाओं को मायूस लौटना पड़ा। सर, हम अपने पानी की समस्या को लेकर के आए हैं। हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। ठंडी के मंदिर के हमारा मोहल्ला है, वहाँ से आए हम। पानी की समस्या को लेकर हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और 2 महीने से हम इतने परेशान हैं। गर्मी की समस्या इतनी है कि पानी को लेकर के बिल्कुल ही पानी नहीं आ पा रहा है हमारा। और जब से रोड बना है जब से, तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। लोगों ने अवैध कनेक्शन कर दिए। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी जी बोल रहे हैं अभी आईएन साहब है नहीं, वो अलवर मीटिंग में गए हैं, कल आएंगे, कल आना आप। परिवहन विभाग और जिला कलेक्टर के निर्देश पर अलवर शहर में ई रिक्शों के अवैध संचालन को लेकर चेकिंग अभियान जारी है। परिवहन निरीक्षक राम खिलाड़ी वर्मा के निर्देशन में अब तक लाइसेंस के बिना चल रहे 50 ई रिक्शे जब्त किए गए हैं। बहुत से धनवान लोगों ने ई रिक्शा खरीद कर किराए पर भी चला रखे हैं।
ऐसे में स्वरोजगार से जुड़ना चाह रहे जरूरतमंद वर्ग को भी परेशानी होती है। कलेक्टर महोदय के और हमारे विभाग के भी संज्ञान में आया कि शहर के अंदर ई रिक्शा बहुत अत्यधिक मात्रा में हो गया और ये भी शिकायत आई कि एक ही मालिक के नाम काफ़ी सारे रिक्शे रजिस्टर्ड करवा लिए हैं और वह किराए पे चला रहा है, जो कि गलत है। राज्य सरकार के स्वरोजगार का जो उद्देश्य है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा और एक आदमी के पास किराए पे वो चला रहा है, वो स्वरोजगार का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए कलेक्टर महोदय ने मीटिंग बुलाकर एक अभियान चलाया ई रिक्शों का, जिसमें परिवहन विभाग और नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त अभियान चला रहे हैं हम 20 तारीख से, और करीब मेरे द्वारा भी 40-50 रिक्शे बंद कर दिए गए हैं और इस तरह हम इन पर कंट्रोल करें। इनके अधिकृत देखने में आया कि इनके कागजात बहुत कम है, लाइसेंस इनके नाम व्यक्ति के नहीं है, वही चला सकता है जिस व्यक्ति के लाइसेंस है, जिसके नाम रजिस्टर्ड है, महिला है तो दूसरा व्यक्ति भी चला सकता है। ये देखने में आया कि लाइसेंस ही बहुत कम है और ये यहाँ पे जो संचालन हो रहा है वो उसमें इंश्योरेंस भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, तो हम सघन अभियान करके इनको बंद कर रहे हैं। दादर स्कूल की एक बालिका की पेंटिंग ने जापान की पत्रिका में स्थान पाया है। नवंबर में इस बालिका को सम्मानित किया जाएगा। बालिका किरण कौर की पेंटिंग जापान की पत्रिका हिंदी की गूंज का कवर पृष्ठ बनी है। यह जापान की एकमात्र हिंदी त्रैमासिक पत्रिका है। उधर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दादर की प्रिंसिपल गीता ठाकुर के अनुसार किरण कक्षा 7 में पढ़ती है। उसकी पेंटिंग में ग्रामीण भारत को दर्शाया गया है। इससे पूर्व इसी स्कूल की छात्रा जसविंदर कौर की पेंटिंग जापान की इसी पत्रिका में छप चुकी है। प्रकृति के स्वरूप को संवारने तथा उसके साथ जीवन जीने की पेंटिंग, जहां प्राकृतिक दृश्य दर्शाए गए, उसके आधार पर कक्षा 7 की छात्रा किरण कौर ने पूरे भारतवर्ष का नाम जापान में रोशन किया है। जापान की त्रैमासिक पत्रिका में इस पेंटिंग सीनरी को जगह मिली है और मुख्य पृष्ठ पर उसे छापा गया है। इसको लेकर दादर गांव में खुशी की लहर है। संस्था प्रधान गीता ठाकुर के द्वारा छात्रा का उत्साहवर्धन के लिए उसको सम्मानित भी किया जाएगा। मैं उदित सिंह टेल न्यूज। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में मौसमी रोगों के पीड़ित बढ़ रहे हैं। यहाँ डायरिया और लू तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैद्य मुकेश कुमार ने बताया कि मरीजों को बीमारियों के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है, साथ ही औषधि वितरण किया जा रहा है। जैसा मौसम होता है तो मौसम के अनुकूल ही मरीजों की एक संख्या बढ़ती है। एक सामान्य जो रोगी होता है वो तो रूटीन के चलते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार जैसे कि प्रखर है तो इस समय सबसे ज़्यादा उल्टी दस्त है, तापघात के हैं, लू के हैं, इस प्रकार के मरीजों की शिकायत देखने को ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमारे विभाग के द्वारा भी इस प्रकार का आदेश आया हुआ है कि भाई लोगों को ताप लू घात के प्रति जागरूक कराया जाए और औषधालय में उपलब्ध जैसे कि भूआम्ल की है, संभसम है, कपद्रिका भसम है, सौंप अर्क है, अर्क विसूचांतक अर्क है, कर्पूर रस है आदि की औषधियों का वितरण भी मरीज के अनुसार किया जाता। 8 माह से फरार चल रहे इनामी अपराधी को अकबरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि लूट के मामले में रूपबास के मोनू मीणा पर 1,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने इस 21 वर्षीय आरोपी को पकड़ लिया है। माधोगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जानकारी दी गई। इसके तहत तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं मालाखेड़ा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी के निर्देशन में कैंप लगा। मंगलवार को शिविर के दौरान पीएलवी चंद्रपाल गुर्जर ने महिलाओं से जुड़े अधिनियमों और प्रावधानों के बारे में बताया। उधर इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र अलवर के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरियाम गुर्जर, अमन देशवाल, कमल बागड़ी, करण दत्ता, प्रेम छावड़ी, यादराम और सीएचओ दीपक यादव आदि मौजूद रहे। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन विद्युत निगम के कई कर्मचारी अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं है। अकबरपुर में भी कुछ ऐसा ही सामने आया, जहां सरकारी विद्यालय के समीप लोहाटी मोहल्ले में सोमवार रात विद्युत लाइन टूटने से डीपी में आग लग गई। विद्युत निगम को सूचना देने के बाद करीब 12 घंटे में इसे दुरुस्त किया गया। इसके बाद फिर से डीपी में आग लग गई। गौरतलब है कि यहां विद्युत लाइन ढीली होने से नीचे लटक रही थी, साथ ही करंट का भी डर रहता था।
सोमवार रात को सड़क से गुजरते डीजे वाहन से विद्युत लाइन टूट गई और डीपी में आग लग गई। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच रात भर ग्रामीणों को परेशान होना पड़ा, लेकिन इसे दुरुस्त करने के बाद मंगलवार को फिर से वही स्थिति पैदा हो गई। लुवाटी मोहल्ले में स्कूल के कोने पे जो खंभा है, यहाँ पे तार लटका हुआ है। कई बार हमने शिकायत की है और कई बार हादसा होते होते बच्चे, यहाँ पशु भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। रात को भी एक डीजे वाला लेके गया गाड़ी भगा के, तो वो तार तोड़ गया, तो आग भी लग गई। नीचे घास फूस पड़ा हुआ था, उसको आग बुझाई पड़ोस के लोगों ने, और डीपी भी जल गया पूरा। और पूरी रात से मोहल्ले वाले परेशान हैं, लाइट आई नहीं रही, फॉल्ट हुआ पड़ा है। शिकायत भी कर दी है कंप्लेंट, पर उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। नहीं, ये लटकते तारों की भी एडीएम को भी कही थी। हाँ, लटकते तारों के लिए हमने एडीएम को भी बोला था उस समय, और गांव वाले दो बार ज्ञापन भी दिया है, सरपंच से भी बोला है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। कभी कोई हादसा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। छोटे बच्चे रात भर मच्छर काटते रहे, छोटे बच्चों को भी बहुत परेशानी हुई। छोटे छोटे जो नवजात बच्चे हैं, पूरी रात भर मच्छर भी काटते रहे, गर्मी में बेहाल रहे पूरे। और इधर जहाँ खेलते भी है, तो ये उन तारों से और बड़ी परेशानी हुई है। रात से लाइट नहीं आने से पूरे आमजन परेशान है। पानी के पीने की किल्लत आई हुई है, ना नल आ पा रहे हैं, ना बच्चे ठीक से रह पा रहे हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि कस्बे में काफी समय से तार नीचे लटक रहे हैं, ऐसे में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। पहले भी हमने जेएन साहब को अवगत करवाया था कि भाई ये तार लटक रहे हैं और आए कोई भी हादसा इसमें हो सकता है। उसके बाद भी इन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी और रात को कोई डीजे में ये तार अटक के और टूट गया, जिससे ट्रांसफार्मर जल गया। अब रात को ट्रांसफार्मर जलता है तो दो दिन तक उपभोक्ता परेशान रहते हैं। पहले ही वोल्टेज सही नहीं आ रहा। अभी कल भी मैं जेएन साहब से मिल के आया हूँ और एक प्रपोजल और अकबरपुर के लिए भिजवाया है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। तो पहले ही लाइट की कमी थी और ये कोर्ट में खास का काम और कर रहा है। मेरे तो प्रशासन से मांग है कि तार को जल्द से जल्द ठीक ऊंचे करवा के, टाइट करवा के और आम जनता को राहत दे। गौरतलब है कि सरकार विद्युत सुविधा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अकबरपुर में उपभोक्ता परेशान बने हुए हैं। और वहीं माधोगढ़ सब स्टेशन के अधीन इंदौक गांव में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से छप्पर पोष घर में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। समाज सेवी पेमाराम ने बताया कि छोटी इंदौक में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूट गया था, इस वजह से खाना बनाने का सामान और पशुओं का चारा जल गए। साथ ही एक भैंस आग लगने के कारण झुलस गई। पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार करवाया गया। राजगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल के छात्र हरिओम आसीवाल ने 12वीं कला वर्ग में 93.60% अंक प्राप्त किए हैं। आसीवाल ने विपरीत परिस्थितियों में रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। आसीवाल ने कहा कि 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए। वह अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को देते हैं, साथ ही प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। हरिओम आसीवाल परिवार अच्छा काम करने की कोशिश की और आज 12वीं कक्षा में 93.60 नंबर लेके आए हैं और लगातार रोज 6-7 घंटे की पढ़ाई करने की पूरी मेहनत करके और ये सफलता हासिल की है। अभी मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि निश्चित लक्ष्य और निर्धारित लक्ष्य के साथ आगे बढ़े ताकि सफलता मिले। सफलता जरूर मिलेगी, लगातार प्रयास करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। हम फोन से खासकर दूरी रखें, जो एक बहुत बड़ा वो है, दुश्मन है बच्चों का, और पढ़ाई निरंतर करते रहें। खास है, मैं अपना जो देना चाहता हूँ वो मेरे परिजनों ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है और पढ़ाया है, गुरुजनों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और जो विशेष जो रुचि है वो मतलब शुरू से ही पढ़ने में रही है। कठुमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में 11 दिवसीय श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति शिविर जारी है। 5वें दिन विद्यार्थियों को 24 तीर्थंकरों के नाम पहचानने, नमोकार महामंत्र, 5 पाप और 5 कषाय एवं अष्ट द्रव्यों के बारे में बताया गया। शिविर की क्षेत्रीय संयोजक विदुषी जैन ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 26 मई तक कैंप लगाया जाएगा। इसमें सोनेश जैन, देवेंद्र जैन, विजयपाल सहित इंदिरा जैन, नेहा, वर्षा और सुशीला जैन आदि सहयोग कर रहे हैं। बड़ौदा में कस्बे के श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम हुआ।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणामों में छात्रा तनिषा यादव ने 97% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही कला वर्ग में रौनक यादव ने 93.80% अंक पाए हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा रहे। मुख्य अतिथि सहित संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह चौधरी और प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी 18 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वही समारोह में गोविंदगढ़ प्रधान रशनम गोपाल चौधरी, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद, सरपंच सुनील चौहान और वीर सिंह, भाजपा जिला महामंत्री रामुतार एवं मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन आदि मौजूद रहे। श्री सूरतवा शिक्षण संस्थान के प्रांगण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग ने जिन छात्र छात्राओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए उनको सम्मान दिया गया। आज विद्यालय प्रांगण में श्री रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता श्री जयाउजा जी के द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिनको साफा बंधन एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर संस्था प्रधान श्री धर्मवीर चौधरी, महेंद्र निहाल सिंह प्रबंधक के द्वारा बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें 12वीं विज्ञान वर्ग में किसान घर से रहने वाली पुत्री तनिषा यादव ने 97% अंक प्राप्त कर पूरे बड़ौदा मेयर क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं 12वीं कला वर्ग में रौनक यादव पुत्री श्री पूरण सिंह यादव ने 93.80 अंक प्राप्त कर बड़ौदा मेयो कस्बे के सर्वोच्च अंक प्राप्त किए गए। इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। समाज सेवी लालचंद रोघा ने कहा है कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। वहीं उन्होंने सिंधी संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान भी किया। वे भारतीय सिंधु सभा खैरतल की ओर से आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में बोल रहे थे। मंगलवार को यहां सिंधी बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ हुआ। झूलेलाल मंदिर संरक्षक बाबा शीतलदास लालवानी एवं प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरि प्रेम प्रकाशी के सानिध्य में कैंप लग रहा है। आरंभ में सभी अतिथियों ने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी और संभाग प्रभारी प्रताप कठहरा ने बताया कि शिविर सुबह 8 से 10 बजे तक 31 मई तक चलेगा। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुलभ शौचालय पर कई दिनों से ताला लटका हुआ है। ऐसे में मरीज परेशान हो रहे हैं, साथ ही पेयजल स्थल के आसपास गंदगी फैली हुई है। हाल ही में खैतल तिजारा जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने यहाँ निरीक्षण भी किया था, साथ ही साफ सफाई और पानी की व्यवस्था का जायजा लेकर प्रभारी को निर्देश दिए थे। इसके बाद भी मरीज परेशान है। तो ये जो सुलभ शौचालय बंद पड़ा है, पानी की व्यवस्था कैसी है? सब बंद पड़ा है, गर्म पानी आता है ना, कोई बाथरूम की सुविधा। कौन सा काम आपका? सरकारा। सुलभ शौचालय कितने दिन से बंद है? ये लगभग 6-7 दिन हो गए इसको बंद हुई। तो ये मरीज परेशान रहते हैं? मरीज परेशान रहते हैं और लेडीजे बाथरूम के लिए भी इधर उधर खुले में ही करना पड़ता है। जी क्या कहेंगे सुलभ शौचालय के बारे में जो बंद पड़ा है? यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं, परेशानी ज्यादा आ रही है। सुलभ शौचालय है ये बंद रहता है, ताला लगा रहता है, क्या कारण है सर? ये नगर पालिका के अंदर में आता है और उनकी मोटर खराब होती है तो बंद रहता है। जैसे मरीज परेशान रहते हैं, मरीज परेशान तो हो रहे हैं, और ये जो पानी के जो लग रहा है उसमें भी गंदगी लगाई दिखाई दे रही है। ये वाला हमारे अंदर में, ये तो सही, अंदर देखो गंदगी लग रही है, उसको देखता हूँ। तिजारा कस्बे के वार्ड 13, 14 और 19 में 3 दिन से पानी की किल्लत बनी हुई है। इसकी वजह बिजली संबंधित फॉल्ट है। व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हबली गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कार्यालय पहुंचे और सहायक अभियंता आरसी मीणा को इससे अवगत करवाया। साथ ही गुप्ता ने विधायक बाबा पालकनाथ को फोन पर अवगत करवाया, जिन्होंने सहायक अभियंता को शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पप्पू, राजीव, विष्णु, पवन पटेल, मनोज जैन, सतीश और आशीष सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 13 की 2 दिन से टंकी खराब पड़ी है। वार्ड नंबर 13-14 का कंबाइन टंकी है, उसमें लोड ज्यादा है।
और सारी जनता दो दिन से परेशान है, लाइट नहीं है, ना पानी है मोहल्ले में ना लाइट है। इस करके यहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर आया, इनके साथ आए, अब इन्होंने आश्वासन दिया है 2 घंटे के अंदर अंदर लग जाएंगे। बाबा बालकनाथ जी का भी धन्यवाद, उन्होंने फोन किया है, जल्द से जल्द लगवा देंगे। भिवाड़ी कस्बे में गौरव पथ से काली खोली मंदिर जाने वाले तिराहे पर रेड़ी पटरी वालों ने अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में सुबह और शाम को वाहनों का जाम लग जाता है। यहाँ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, आयकर और SBI कार्यालय होने की वजह से फरियादियों एवं वकीलों के अलावा अन्य लोगों का आवागमन रहता है। भिवाड़ी का व्यस्ततम मार्ग होने के बावजूद यहाँ अतिक्रमियों का बोलबाला है और रेड़ी एवं खोखो की वजह से सड़क सक्रिय हो गई है। बार एसोसिएशन भिवाड़ी प्रथम के अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद हुसैन ने इसे लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उधर नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि गौरव पथ से काली खोली जाने वाले तिराहे पर अतिक्रमण जल्द ही हटाया जाएगा। कुछ छात्राओं ने ये साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत के आगे निजी स्कूलों की चमक दमक और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव कोई मायने नहीं रखता है। नगर विधानसभा के क्षेत्र के गांव जाटोली जथून की छात्राओं ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उच्च अंक हासिल किए हैं। छात्रा कल्पना फौजदार और तनु प्रजापत ने 92% और अंजलि लवानिया के अलावा अन्य कई छात्राओं ने 83% से अधिक अंक हासिल करते हुए अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। बेटियों की इस कामयाबी पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया। सरपंच सतवीर सिंह की अध्यक्षता में उन्हें माला और साफे पहनाए गए। इस मौके पर पूर्व सरपंच जोगिंदर सिंह, गोर्धन कुमार पाल और चीता पंडित सहित अनेक ग्रामीण और स्कूल शिक्षक मौजूद रहे। वहीं जन सहयोग से स्कूल की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। संसद प्रधान उर्मिला बाई ने बताया कि शिक्षकों की कड़ी मेहनत और छात्राओं की लगन की वजह से 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ क्लासरूम की कमी के अलावा मरम्मत नहीं हो पाने की वजह से कई कक्षों की छत से पानी टपकता है। सिलिसेट झील में मगरमच्छ ने सिंगाड़े की बेल संभाल रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जानकारी के अनुसार उमरैन गांव निवासी छोटेलाल धीवर सिलिसेट झील में पिछले कई वर्षों से सिंगाड़े की फसल लगाने का काम करता है। मंगलवार को वह अपनी पत्नी के साथ सिंगाड़े की बेल को देखने गया था। इसी दौरान छोटेलाल का पैर अचानक मगरमच्छ की पूंछ पर लग गया। मगरमच्छ ने पलटते हुए उसके पैर पर हमला किया और फिर तुरंत पानी में चला गया। घायल का इलाज जारी है। छोटेलाल है मेरा नाम। सिंगाड़े में बेल सीधी कर रहा, घोड़े घोड़े पानी में वो चुपचाप बैठे, उसकी पूंछ के पैर ओढ़ा, वो दम देनी पलट के खा गया। कौन खा गया? मगरमच्छ। कहाँ के निवासी हो? उमरैन के। घटना क्या हुई है? सिली में लगा रहे वापे आ गया। हाँ, जाके घुसे ही हम थोड़ी से थोड़े थोड़े पानी में, वो पलट गया, उसकी पूंछ का पैर उड़ा, वो पलट के खा गया, मेरे को दिखे नहीं वो पानी में। जी, पेशेंट का नाम छोटेलाल। छोटेलाल, क्या हुआ था? सर, ये सिंगाड़ों में उधर बेल डाल रखी है सिली सेड में, तो उधर गए थे उनको देखने के लिए। उधर पशु चरते हैं, भैंस वगैरह, तो उनका नुकसान चेक करने के लिए गए थे। जैसे ही अंदर घुसे वैसे ही मगरमच्छ ने हमला कर दिया। सर, ये राइट पैर के नीचे, मतलब घुटने के नीचे बचाया क्या सर? वो एकदम से अचानक से बाइट की उसने और खा करके भाग गया। वो चिल्ले के तो मतलब इनको तो मतलब अचानक से हमला हुआ तो भागने के आगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी पार्षदों और कई क्षेत्रों के बाशिंदों ने जलदाय SE को घेरा, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। वहीं अनेक इलाकों के लोगों ने मनुमार्ग कार्यालय पर किया प्रदर्शन। हमला कर लूटे बाइक और 40,000। सीकरी क्षेत्र में ग्रामीण और पुत्रवधू को किया घायल। छठे चरण से पहले प्रमुख दलों के दावों ने पकड़ा जोर। भाजपा ने 400 पार का दोहराया आंकड़ा। वहीं कांग्रेस ने कहा जनता ने NDA को नकारा। और हिट एंड रन के मामलों को लेकर निगरानी समिति की हुई बैठक। विधिक प्राधिकरण सचिव ने दिए जरूरी निर्देश। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।